हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, यदि हम लोगों का लिखा है कि यदि 0.75 और अनुपात में लिखा है x, उसके बाद देखिए समानुपात दिया है 5:8, तो कह रहा है कि x का मान है और यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का x के जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे कि डैश डैश दिया का 95% हम लोगों का लिखा है कि 4598 है, तो उस डैश डैश के जगह हम लोगों का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 61 है। जिसने पार्ट 60 तक नहीं देखे हैं चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। अब बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे। यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, यदि हम लोगों का देखिए 0.75 और अनुपात में लिखा है एक्स और यहाँ पर समानुपात अब 5:8, तो एक्स का मान है। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और आप जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आप 9 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे लिखा है दोस्तों, एक बात यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाहते हैं, जैसे 0. हम लोगों का 75 और यहां पे अनुपात जैसे लिखा है x, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए और यहां पर समानुपात जैसे लिखा है दोस्तों, यहां पर हम लोग कर देंगे समानुपात, उसके बाद लिखा है 5 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 8, तो वही कह रहा है x का मान बताना है। तो देखिए सिंपली आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए कि देखिए जैसे 0 पॉइंट में क्या करेंगे दोस्तों, यहां 75 है तो 75 और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों x कर देंगे, क्योंकि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है और इस समानुपात का मतलब होता है दोस्तों बराबर, तो यहां पे हो जाएगा 5 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। बस यही हम लोगों को करना था, इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि सिंपली कटा देंगे, तो जैसे ही कटाएंगे दोस्तों देखिए कि यहाँ पर एक तरीका हम लोगों का ये भी है कि आप गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे जैसे ही क्रॉस गुना हम लोग कर देंगे, निसंदेह आप कर दीजिए कि ई साइड वाला गुना इधर कर दीजिए दोस्तों और ई साइड वाला इधर कर दीजिए, तो 8 से गुना हो जाएगा, तो 8×5=40 करिए 0 हासिल रहा हम लोगों का क्या 4, उसके बाद 8×7=56 और 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो 60 यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि 60 हो जाएगा तो ठीक है। और 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों दशमलव हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लिखा जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या कि 5x हो जाएगा, तो इधर निसंदेह हम लोगों का क्या हो जाएगा क्रॉसिंग गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा। तो बस आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, देखिए x बराबर हम लोगों का, क्योंकि 0 तो हम लोगों का लिखा था नहीं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 6/बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, देखिए 6/बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो बराबर क्या लिखा जाएगा एक्स लिखा जाएगा। तो इसी को जब देखिए एक लाइन करेंगे और आंसर निकल गया, एक्स बराबर क्या कि सर 6 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, बस आंसर हो गया। इसी को बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और गलती कर देते हैं, बस 6 में आप 5 से भागा दे दीजिए एक्स का मान निकल जाएगा, काहे नहीं समझ रहे हैं आप। देखिए आप 5 से आप काहे नहीं भाग दे पा रहे हैं कि 5 से 6 में भाग 5 क्या हो जाएगा 5 इधर उतरा 1 पॉइंट देंगे तो 5×2=10 नहीं हो जाएगा, इसीलिए 1.2 आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि सुरेश द्वारा अंग्रेजी और हम लोगों का क्या है दोस्तों इतिहास, तो यहाँ पे कर लीजिए आप कुछ नहीं कीजिए कि अंग्रेजी है, तो एक बात यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों अंग्रेजी, और एक हम लोगों का क्या दिया है इतिहास, तो यहाँ पे कर लीजिए इतिहास और अंग्रेजी है तो यहाँ पे लिख दिए, और उसका अनुपात लिखा है कितना कितना अनुपात लिखा है दोस्तों 2:3 दिया है, तो कह रहा है कि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो देखिए जिसका अंक में प्राप्त किया है उसी से तुलना होगा, यानी अंग्रेजी में प्राप्त किया है तो अंग्रेजी यानी कि अनुपात 2:2 क्या लिख देंगे दोस्तों 80 लिख देंगे। ऐसा आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि सुरेश ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी का दिया है तो हम लोग भी अंग्रेजी का अंग्रेजी से ही तुलना करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का अनुपात 2 है इसीलिए 2:2 क्या लिख देंगे 80, और यहां पर कटा लेंगे दोस्तों, जैसे ही कटाएंगे तो यहां पर कट जाएगा कि अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। तो ठीक है सर, तो इतिहास में पूछ रहा था इतिहास का है 3, इसमें गुना कर दिए दोस्तों किससे, वही जो 40 आया अनुपात 1 का मान, तो 40 दिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 120 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 120 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा कि सुरेश द्वारा अंग्रेजी और इतिहास में अंक प्राप्त करने का अनुपात दिया था 2:3, और वही कह रहा है कि सुरेश ने यदि अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी का तुलना अंग्रेजी से कर देंगे, तो अंग्रेजी का अनुपात दिया था 2, तो 2:1 हो जाएगा 80, और अनुपात 1 का मान निकल जाएगा 40, तो इतिहास में पूछा था इतिहास में गुना कर दिए 120। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए किस तरीके से पूछा, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम नहीं कर पाते हैं, बस तरीका को समझ लीजिए कि 6 दर्जन अंडे जो है 48 रुपया में भेजे, तो देखिए 6 दर्जन अंडे कितना में बेच रहा है 48 रुपया में बेच रहे, तो कह रहा है कि 132 अंडों का मूल्य कितना होगा, आखिर 132 को अंडा जो बेचा तो उसका मूल्य कितना होगा, तो वही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि 6 दर्जन, तो 6 यहां पे कर लेंगे कि 6, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों दर्जन, तो 6 दर्जन बराबर हम लोगों का क्या है 48 रुपया हो जाएगा, तो ठीक है जैसे यहां पे क्या कर देंगे दोस्तों 48 रुपया, तो हम लोगों का 1 दर्जन में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 1 दर्जन में 12 होता है, तो यहां पर हम लोगों को एक बात मेंशन करना होगा कि यहां पर 6 गुना क्या लिखा जाएगा दोस्तों 12 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है ना, तो 6 दर्जन, तो 6 गुना 12 कर देंगे बराबर क्या लिख देंगे 48, देखते चलिए तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 1 दर्जन का यदि निकालेंगे तो यहां पे लिख देंगे दोस्तों कि एक यहाँ पे लिख देंगे दर्जन, तो 1 दर्जन का क्या निकल जाएगा देखते चलिए आप ध्यान से कि 48 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 72 हो जाएगा, 48 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 72। कैसे हुआ ये बात बता देना चाहते हैं कि 6 दर्जन अंडे का मूल 48, तो अगर 6 दर्जन का है तो हम लोगों का देखिए 6 दर्जन में कितना होता है 12, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दर्जन की जगह लिख देते हैं 12, तो 6 12 × 6 करेंगे 72 हो जाएगा, तो 1 दर्जन का निकालेंगे तो 48 × 72, और कह 132 अंडा का पूछा है, तो यहाँ पे निसंदेह आप गुना कर दीजिए दोस्तों 132, बस इसी को आप कटा दीजिए आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम कटा लेते हैं, तो यहाँ पे किससे कटाएंगे देखिए हम लोग कटा लेते हैं दोस्तों, देखिए बरछक क्या हो जाएगा 72, देखिए बरछक 72 और बरचोक क्या हो जाएगा दोस्तों 48, अच्छा तो हाँ तो 24 से भी कटा सकते हैं, 24 से डायरेक्ट कटा लीजिए, इधर के 24 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, और 24 × 48 हम 24 से कटाए हैं, 24 × 48 24 दिया 72, और 3 से कटा देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 × 6 क्या हो जाएगा 12, और 3 × 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो ये कट जाएगा ये किससे 3 से, तो आपका निकल जाएगा इस प्रश्न का आंसर 44 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, कि 6 दर्जन अंडे का मूल 48 रुपया था, तो वहां पे निकालना होगा 1 दर्जन का, तो 1 दर्जन निकालिए तो वही कर रहा है 132 अंडे का मूल्य क्या है, तो 132 जिसका पूछेगा उससे क्या कर देते हैं दोस्तों गुना कर देते हैं, तो ऐसे करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, बस आपको तरीका समझना है कि यहां पर कैसे किए कि 6 दर्जन का दिया था तो 1 दर्जन यानी कि निकाल दिए तो 48 बटा 72, 132 अंडा का पूछा था तो 132 से गुना कर देंगे, और कटाए 24 × 48 24 × 72, और 3 से कट जाएगा 132 44 बार में 44 × 2 कर देंगे 88। अगला क्वेश्चन देखिए
दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया इधर कह रहा है कि यहाँ पे 16 और 24 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम दोनों पूछा है, क्या क्या कि महत्तम समावर्तक भी और लघुत्तम समावर्तक, तो आप निकाल दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। इधर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, 16 और 24 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मौ और सौ, महत्तम समावर्तक को क्या बोलते हैं मौ और सौ, तो निकाल दीजिए। ये देखिए जैसे निकालने बैठेंगे दोस्तों कि 16 से क्या करेंगे मौ सौ, आप जानते हैं निसंदेह की बचपन में इसी तरह निकालें कि 16 का क्या हो जाएगा 16, और तो यहाँ से आ जाएगा घटेगा तो इधर हो जाएगा कितना 1 × 10 = 14 = 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कट्टी। अब यही 8 से फिर किस में भाग देते हैं 16 में, तो 8 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और जिस जगह कटा हम लोगों का वही निकल जाता है, तो इसका मौसो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए इस कलर से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि मौसो हम लोगों का क्या निकलेगा 8 निकलेगा, जिस जगह कटेगा वही मौसो निकलता है। बस अब इनका क्या निकालने बैठेंगे लॉसो, तो किसका किसका सर, देखिए 16 और 24 का दोनों पूछा है, दोनों निकाल देंगे दोस्तों निसंदेह कि पहले 2 से जाएगा तो 2 × 8 = 16 और 2 से क्या हो जाएगा 12, तो ठीक है यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 × 8 और 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, उसी प्रकार से 2 से देंगे 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, अब सबको गुना कर देंगे तो 2 × 4 = 8 × 16 = क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, यानी गुना करने के बाद हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पे 48 आएगा। तो देखिए 8 और 48 यानी कि लॉसो यहाँ पे ऐसे कलर में लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे लॉसो हम लोगों का निकल गया कितना निकला, तो देखिए 8 और 48, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लिया है कि आपको मौसो भी निकाल लेना है और क्या निकाल लेना है लॉसो भी निकाल देना, तो इस प्रश्न का आंसर 8 और क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, बस आप तरीका को समझते चलिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे कह रहा है कि इस डैश डैश के जगह क्या भरा जाएगा, और अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, आखिर डैश के जगह हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, और का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 95 और प्रतिशत के बदले नीचे क्या लगा देंगे 100 और उसी के बराबर कर देंगे। ये देखिए हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 45 और क्या दिया हुआ 98, बस इसको आप कटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पर कटेगा किससे, तो हम लोगों का 5 से कट जाएगा दोस्तों 19 बार में, ये देखिए 5 से ई कटेगा क्या बार में कि 5 से कट जाएगा 19 बार में, क्योंकि 19 × 5 = 95 और 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार में ई कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एक बात समझना होगा कि तो आप 5 से कटा दिया, अब 19 से देखिए 45 × 98 को कटाना है तो क्या बार में कटेगा, तो यही दिक्कत है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम भाग कर लेते हैं दोस्तों कि क्या बार में कटेगा, डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि 45 × 98 लिखा है ना कि 19 से क्या बार में कटेगा, ये देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों का कि 19 × 2 क्या हो जाएगा 48, ये देखिए आपको तरीका समझा रहे हैं कि 19 × 2 क्या हो जाएगा, तो 19 × 2 = 38 होता है, तो यहाँ पर करेंगे 8 में 5 जाएगा 1 × 10 = 5, 15 × 8 जाएगा 7, इधर हम लोगों कट्टी उतरेगा इधर क्या दोस्तों 9, तो 19 × 2 = 38, 19 × 3 = 57, 19 × 4 क्या हो जाएगा 76, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 76, तो इधर जाएगा हम लोगों का 3 और 8, तो 19 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 38, तो देखिए 242 बार में क्या हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का कट जा रहा है, तो वही इतना जो कहानी की है क्यों, क्योंकि वहाँ पर कटाना था, तो हम लोग अब निसंदेह ये सब हटा देंगे, ये सब क्या करेंगे हटा देंगे कि 242 बार में हम लोगों का कट गया कौन, तो 45 और 98 जो लिखा हुआ था वहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोग 200 क्या लिख देंगे हम लोगों का क्या बार में कटा था 242 बार में कटा था, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 200, देखिए 242 बार में कटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 242, बस यही आपको समझना था कि ये कट गया तो हम लोग तो 242 आप निसंदेह लिख दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, ये कट गया सर किससे 19 से कटा, तो अब गुना हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है, तो क्रॉस गुना ई वाला इधर गुना होता है ई वाला इधर, तो हम लोगों का x बराबर निसंदेह हो जाएगा यहाँ पे 20 और गुना में हो जाएगा दोस्तों 242, तो जैसे ही करने बैठेंगे तो हम लोगों का कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, तो सर 242 × 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 4 और 0, तो यही आएगा 48 और 40, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस यही करना था कि यहाँ पे कटाना कैसे है, बस यही देखना है कि जैसे ही कटा दिए तो आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कैसे करेंगे, ये देखिए
जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि के और एल किसी काम को अकेले अकेले दिया है, तो करवा लीजिए जिसका जिसका घर है कि के एक काम को कितने दिन में करता है। सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि के एक काम को 15 दिन में कर रहा है, उसी प्रकार से एल एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर लिख देंगे 60, क्योंकि एलसीएम दोनों का निकाल लिया 60। अब इसका क्या निकाल दीजिए आप, क्षमता निकाल दीजिए। तो जैसे ही क्षमता निकालिएगा, देखिए यहाँ पे के का क्षमता क्या निकल जाएगा, तो 15 चुके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ई क्षमता निकल गया। कैसे क्षमता निकलता है, तो ई वाला संख्या से भाग देते हैं और ई वाला संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो क्षमता निकल गया। वही कह रहा है कि वे पाँच दिन एक साथ काम किया, तो 5 दिन तक साथ करके चले गए, तो कह रहा है कि काम के अपूर्ण भाग निकालिए, आखिर कितना काम बचा हुआ है वो भाग वो बताना है। तो ठीक है 5 दिन हम लोग करवा लेते हैं कि आखिर एक दिन में ये दोनों मिलकर क्या बोला है दोस्तों, वहाँ क्वेश्चन में बोला है कि वे दोनों 5 दिन तक साथ किया, तो एक दिन का ये जो 4 और 3 दोनों जोड़ देंगे 7 हो गया, 4 3 क्या हो गया दोस्तों 7, एक दिन में 7 काम कर रहा है दोनों मिलकर, और वे कह रहे हैं कि 5 दिन तक 7 काम किया, तो एक दिन में अगर 7 कर रहा है तो 5 दिन में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसमें आप 35 घटा दीजिए दोस्तों, जैसे ही 35 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर 10 में 5 गया तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 4, बचा 5 5 में 3 जाएगा 2, तो यानी कि हम लोगों का 25 काम क्या रह गया है। तो देखिए वही कह रहा है कि काम के अपूर्ण भाग की गणना करें, बस आपको बस इतना ही करना था दोस्तों कि अपूर्ण भाग क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सर 25 काम बचा हुआ था, ये देखिए यहाँ 25 अब बटा में क्या लिख देंगे दोस्तों 60 लिख देंगे, क्योंकि टोटल काम तो हम लोगों का 60 है और 25 काम बचा, तो वही कह रहा था अपूर्ण भाग, बस इसको कटा दीजिए आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो 5 सेकंड हम लोगों का किससे कटा देंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों 5 6 25 और 5 से कट जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 5/5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि के और एल अकेले अकेले काम को 15 और 60 एक 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो निकाल लिए एलसीएम ले लिए तो 60 आया, उसका क्षमता निकाल लिए कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तो देखिए के एक दिन में 4 काम कर रहा है, एल एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कह रहा है 5 दिन तक क्या है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए 4 3 क्या हो जाएगा 7 5 35, तो 35 काम अगर 60 में से कर दिया तो 25 काम ना बचा, तो 25 और नीचे में टोटल काम 60, इसको कटा देंगे तो 5/12 क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए हम लोगों का लिखा क्या है कि 59 और ओकरे बाद लिख ले है 29, इसी का क्या निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना है, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि हम तो वो स्क्वायर करके उसके बाद गुना करते हैं सर, उसके 1 बढ़ा देते हैं, इस तरीके से करने के बाद हम आंसर निकाल लेते हैं सर। लेकिन देखिए अगर आप उस तरह का कीजिए और इस तरीके से कीजिए तो इसमें दिक्कत क्या है, उस वो ट्रिकों से करेंगे तो उतना ही समय लग रहा है और ई प्लस करेंगे तो भी उतना ही समय लग रहा है, तो क्यों ट्रिक को याद करने जाएंगे। यहाँ पर जानते हैं कि 59 हम लोगों किसके स्क्वायर के जाएगा, तो सर 6 6 के 36 7 7 49, तो 7 में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आंसर निकल गया, बस यही करना था कि 7 7 में जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा 49। ये देखिए कितना आप इस तरीके का वर्गमूल आप निसंदेह निकाल सकते हैं, 7 7 क्या हो जाएगा 14, तो इधर हो जाएगा सर 0 5 में 4 गया 1, और दोनों अंक उतर जाएगा। वर्गमूल में हम लोग हमेशा अब किससे जाएगा दोस्तों 7 से चला जाएगा, ईद के 7 7 49 करी 9 हासिल रहा हम लोगों का क्या 4 7 6 28 और 4 32 करी 2 हासिल रहा 3 7 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो बस आपको आंसर निकालना था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 77, तो वही कह रहा था वर्गमूल क्या होगा, तो 77 हो जाएगा। बस यही तरीका अपनाना, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका और अलग अलग ट्रिक, कोई तो ऐसा ट्रिक किया है कि इकाई अंक कर लीजिएगा और उसको 1 बढ़ा के ऐसे कीजिएगा, बहुत सारा को हम देखते हैं इसी तरह करते हैं और उस तरीके से करने में उतना ही समय लगाते हैं और फिर भी गलती होने का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए आप जेन्युइन तरीका को याद रखिए कि इस प्रश्न का आंसर ऐसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई दिया है, तो देखिए जो दिया गया है आप उसको कर लीजिए, जितना भी विद्यार्थी है तो 10 है, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों 10 विद्यार्थी है तो आप क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा, हाँ गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों 105 कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना भी विद्यार्थी रहेगा और कभी भी औसत रहे तो उसको गुना ही कर दीजिए, जैसे कहेगा कि 5 विद्यार्थियों का औसत 20 है तो आप गुना कर दीजिए, 6 विद्यार्थियों का औसत इतना है तो उसको गुना कर दीजिए, और कह रहा है कि यदि 120 विद्यार्थी के औसत, तो फर्क कर रहा है कि यदि 120, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 120 विद्यार्थी के औसत ऊंचाई कितना है, तो 20 विद्यार्थी कक्षा में शामिल किए गए हैं, तो ठीक है कर दिए।
तो कह रहा है कि शामिल किए तो बताइए कक्षा की नई औसत क्या है। तो नई औसत कितना हो जाएगा, पहले 10 विद्यार्थी था और उकरे बाद कितना विद्यार्थी आदिर के 20 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थी, टोटल कितना विद्यार्थी हो गया 30। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। भले ही दिखता है बहुत लंबा क्वेश्चन लगेगा, सर चार लाइन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहले तो यही बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप यदि पढ़िएगा और करिएगा तो आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम कर देते हैं दोस्तों, हो चुका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1000 क्या लिखा जाएगा, 50 लिखा जाएगा, और यहाँ पे प्लस का प्लस कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 दुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 2400 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2400, अबटे में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 आ जाएगा। बस एक लाइन करेंगे और क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए दोस्तों हम लोगों का कितना हो रहा है, तो इधर 2 जीरो जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा कितना हो जा रहा है, देखिए तो इसको जोड़ना है, तो देखिए 1 जीरो तो इधर लिखाएगा, ठीक है सर हम लोगों का 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों का 5 लिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 लिखाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोगों का देखिए 24 और 10 कितना हो जाएगा, तो 3450 हो ये तो गया, और 30 इधर नीचे लिखा है तो 30 लिख दीजिए, तो 30 लिखल है, तो देखिए कितना आसान था कि सर जैसे ही हम लोग 30 नीचे लिखे, देखिए 30 लिखे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे कटाइए। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 3 से हम लोगों का कट जाएगा, 3 एक 3 और इधर हो जाएगा 3 और 1 3 5 15, ये कट गया सर 115 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 115 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ कहा है दोस्तों एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई इतना दिया है तो उसको गुना कर देते, फिर कह रहा है यदि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई के 20 विद्यार्थी को कक्षा में शामिल कर ले, तो शामिल जब भी होता है तो जोड़ना ही पड़ता है, अगर कोई बाहर निकलता है तो वहां क्या कर देते दोस्तों घटा देते, शामिल कर रहे हैं तो इसलिए जोड़ रहे हैं, तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक दीवार घड़ी को, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे और नहीं तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है हम लोगों का कि एक विक्रेता ने एक दीवार घड़ी 250 रुपये में कह रहा है बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो देखिए वो बोल रहा है कि लाभ कमा लिया, तो कह रहा है कि खरीदार ने उसे किस दाम पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए हम लोगों का एकदम यहाँ पे क्लियर हो चुका है दोस्तों कि हम लोगों का खरीदार यानी कि जो क्रय मूल्य है वो दे दिया है, क्या क्रय मूल्य हो जाएगा 250 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि एक विक्रेता ने दीवार घड़ी जो है 250 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमा लिया, तो जिस खरीदार ने अब उसको खरीदा है वो क्या कर रहा है कि उसको जो है 20% लाभ पर बेच रहा है। तो बेच देते हैं, अगर मान के चले हम ही वहां पे खरीदार थे, खरीद लिए, अब हम जा रहे हैं बेचने के लिए, तो देखिए 250 और लिख देंगे दोस्तों कि 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ देते हैं, तो 120 बटा क्या हो जाएगा 100। कभी भी लाभ का कहेगा तो 100 पे ही काम होगा, और हानि कहेगा तो 100 पर ही चर्चा होता है हमेशा। बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0। अब इसमें करने के लिए क्या आपको कहीं जाना होगा, 25 गुना 12 आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे सर कि 5 दुना 10 करी 0 हासिल रहा 1 5 एक 5 और इधर 2 दुना 4 तो हम लोगों का हो जाएगा और 0 और 2 एक 2 1 300। तो आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 300 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, प्रश्न को रटिए नहीं, यहाँ साफ साफ बोल रहा है एक विक्रेता ने दीवार घड़ी जो 250 में बेचकर 20% लाभ कमा लिया, वो चला गया कमा के निकल गया, अब वही कह रहा है कि खरीदार उसे किस दाम पर बेचे, खरीदार का मतलब खरीदने वाला क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य की आखिर कितना में खरीद रहा है ताकि उसे 20% लाभ पर बेचे, तो वही कह रहा है इसीलिए हम लोग 250 का 120 कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि सर ये 20% जो लाभ दिया वो कहाँ काम किए, वो पहले वाला 20% का बोल रहे हैं उसका काम, क्योंकि वो तो दे दिया था, वो बात बता दिया, अब यहाँ पर पूछा था, इस प्रश्न का आंसर 300 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते देखिए 9 नंबर हम लोगों का 2 बार अच्छा 3 बार हो गया, तो इससे दिक्कत क्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।